हेलो फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी आपका स्वागत करती हूँ बोइज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। डेरिवेटिव्स की सीरीज में हमने कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव किस तरह लेना है ये देखा, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, इस तरह के रूल देखे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। तो इम्प्लिसिट फंक्शन किस टाइप के होते हैं वो हम देखते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन में फंक्शन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, फंक्शन f इन ब्रैकेट एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर फंक्शन इस टाइप में एक्सप्रेस करते आ रहा हो तो फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, अब इस टाइप के फंक्शन को हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो फंक्शन है इट इज लाइक इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब इट इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। सो दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन इन टू वेरिएबल। अब हम देखते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब एक वेरिएबल अनदर वेरिएबल के फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हो तो उसे एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी तक हमने डेरिवेटिव के लिए फंक्शंस लिए सब एक्सप्लिसिट फंक्शंस थे। फॉर एग्जाम्पल, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद और एग्जाम्पल हम देखते हैं, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स इन टू ई रेस टू एक्स। ये सारे जो फंक्शंस है, ऑल फंक्शंस आर एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिनके डेरिवेटिव किस तरह करने हैं ये प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्क्राइब किया है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव किस मेथड से लेना है। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्लिसिट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, वी हैव टू कैलकुलेट डी वाई बाय डी एक्स। फॉर दिस डिफरेंशिएट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव हम करेंगे इस इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा है और y एक वेरिएबल है, इसीलिए हमने डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई किया। उसके बाद इक्वल टू में एक्स वाई दोनों वेरिएबल है, इसीलिए हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे एक्स वाई का डेरिवेटिव लेने के लिए। तो प्रोडक्ट रूल किस तरह है, फर्स्ट टर्म कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। तो x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, दैट इज 1। तो हमें ये स्टेप मिल रहा है। आगे हम सॉल्व करेंगे, जो dy by dx की टर्म्स आ रही है वो हम x साइड में लेके जाएंगे और जो रिमेनिंग टर्म है जिसमें dy by dx नहीं है वो दूसरी साइड में जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और रिमेनिंग टर्म विल शिफ्टेड टू राइट, देन y माइनस 2x। डी वाई बाई डी एक्स को अगर कॉमन निकालते हैं तो हमें मिलेगा 2y माइनस एक्स इन ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस 2x। अब हमें कैलकुलेट करना है dy by dx, इसीलिए हम 2y माइनस एक्स को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, हमें dy by dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन मिल जाएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू जीरो विल बी y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस एक्स। सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो जिस फंक्शंस में x एंड y ये जो दो वेरिएबल्स है वो अगर मिक्स करके दिए हो तो उन्हें इम्प्लिसिट फंक्शन के इस रूल से सॉल्व करना है, और बाकी जो एक्सप्लिसिट फंक्शन है उनके लिए प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, कंपोजिट फंक्शन का रूल, चेन रूल, ये सब अप्लाई करके हम डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस निकाल सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके जूनियर्स, फ्रेंड्स, फैमिली में ज़रूर शेयर करें। हर उस स्टूडेंट को शेयर करें जिसे मैथ्स का डर लगता हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बॉयज मैथ्स और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
मेरे चैनल की प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट करो, आपको यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन वीडियोस की लिंक भी मिल जाएगी। जरूर विजिट करो मेरे यूट्यूब चैनल बॉयज मैथ्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक्स लेके। तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।